बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं अभी तक वो है सब्स्टिट्यूशंस का टॉपिक। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशंस हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, यूज सब्स्टिट्यूशन हमने देखा। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं उसमें हम यूज सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास जो है यानी कि सिंपल फॉर्म में आ जाता है या थोड़ा सा यानी कि आसान हमारे पास फंक्शन बन जाता है, उसको हमें इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम देख लेते हैं। पहले तो हमने अल्जेब्रिक देखे ना, अभी हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक देख लेते हैं। देखें, अगर आपके पास साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप लेते हैं तो क्या आता है? साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव आप लेते हैं तो क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इनवर्स के डेरिवेटिव हो, वो भी हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? इसका डेरिवेटिव आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि एक्स का एंगल, जो इस केस में एक्स एंगल है तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो मतलब कि वापस हमारे पास यही आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। चलिए, ये तो एक सिंपल केस हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का अगर आप यानी कि डेरिवेटिव लें तो ये आता है। अगर इसका आप इसको इंटीग्रेट करें, मतलब इसी फंक्शन को जो हमारे पास रिजल्टेड आया, डिराइव्ड फंक्शन आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका आप इंटीग्रेट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास वापस कौन सा फंक्शन आना चाहिए जिससे ये ड्राइव हुआ है? ड्राइव किससे हुआ है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स से। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास वापस आना चाहिए। ठीक है, प्लस ये हम डाल देते हैं क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास वापस आएगा। ये तो मैंने कहा कि ये एक सिंपल केस है। अगर थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाए वो क्या हो सकता है कि ये कॉन्स्टेंट आपको 1 नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट आपको 1 नजर आ रहा है, इसके जगह अगर कोई और कॉन्स्टेंट आ जाए, मतलब 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, कोई भी यानी कि इसके 1 के अलावा कोई कांस्टेंट हो जाए। तो सपोज मैं 3 कहता हूं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये आ जाए, इसको आपने इंटीग्रेट करना हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रल का रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि ये किससे ड्राइव हुआ, वो फंक्शन कैसे आएगा? तो ये हमने यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करना है, देखना है किस तरह से आएगा। तो चले, हमने जो पहले यूज सब्स्टिट्यूशन यूज की है उसकी मदद से हम देखते हैं, क्योंकि हम कहते थे जी कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ रहा है फंक्शन, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है, तो हम उसमें यूज सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। चले, हम इसमें यूज सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ठीक है, लेट यू इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो है चले यहां पर तो ये बन जाएगा 1 ओवर, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह u आ गया, लेकिन साथ में यहाँ पर dx है। ठीक है, तो इस dx अब फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या था, x का फंक्शन था, इस वजह से विद रेस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब हमने जब सब्स्टिट्यूट कर दिया है 3 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू u, तो अब फंक्शन बन गया u का, तो इंटीग्रेट भी इसको u की रेस्पेक्ट से होना चाहिए, मतलब कि अब यहाँ पर dx की जगह du आना चाहिए। किस तरह से आएगा देखते हैं, यानी कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है उसका आप इंटीग्रल ले लें, डिफरेंशियल ले लें, डी यू इज इक्वल टू माइनस 2x dx, ये बनता है, मतलब कि आप क्योंकि हमने dx की जगह रिप्लेस करना है, तो dx हम देख लेते हैं किसके इक्वल है, डी यू डिवाइडेड बाय माइनस 2x इज इक्वल टू dx, ये आता है। ठीक है, मतलब dx की जगह आप डी यू बाय माइनस 2x को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह तो चले 3 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं पहले से u पुट कर चुका हूं, अब dx जो है ये इसके इक्वल है, इसको रिप्लेस करते हैं 1 ओवर माइनस 2x इनटू du और इसका इंटीग्रल। ठीक है, अब इंटीग्रल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u इनटू 1 ओवर माइनस 2x इंटू डी यू। ठीक है, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू यू आपने इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास फंक्शन
एक्स में भी आ रहा है ठीक है और यू में भी आ रहा है, तो हम कैसे इसको इंटीग्रेट करें ठीक है, या तो ये यू में होना चाहिए फंक्शन या फिर इसको एक्स में होना चाहिए, ताकि हम एक्स में होता फंक्शन तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट से जो है इंटीग्रेट करते, अगर यू में होता तो यू के रिस्पेक्ट से, अब ये यू भी इसमें आ रहा है फंक्शन में, इसमें एक्स भी आ रहा है ठीक है इस फंक्शन में, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, तो ये तो मजीद कॉम्प्लेक्स बन चुका है, यानी कि सब्सटीट्यूशन के बाद मजीद कॉम्प्लेक्स बन चुका है, यू में भी फंक्शन आ गया एक्स में भी आ गया, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कि ये हमारे सब्सटीट्यूशन यहाँ पर काम नहीं की ठीक है, इसको हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, इसको सब्सटीट्यूट हम यू सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, अगर ये सब्सटीट्यूशन यानी कि काम नहीं की यहाँ पर, उसने काम नहीं किया मतलब हम फिर किस तरह से इसको इंटीग्रेट करें, कौन सी सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज करें इसको इंटीग्रेट करने के लिए, चलिए मैं दोबारा से लिखता हूं कि किसका डेरिवेटिव था ये dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू था 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करें तो हमें पता है किसके इक्वल आता है 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करें तो इसका डिराइव्ड फंक्शन यानी कि जिससे ये डिराइव हुआ है उस फंक्शन के इक्वल आ जाता है, लेकिन हमने इंटीग्रेट अब किसको कर रहे थे, हम इंटीग्रेट हम कर रहे थे 1 ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देखिए ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये कांस्टेंट चेंज हुआ, 1 की जगह 3 आ चुके हैं, तो ये कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब कि 1 ओवर 5 बाय 2 कर लें, 5 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ठीक है, अब यहां पर कांस्टेंट 5 बाय 2 हो गया, 1000 कर लें चलें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1000 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, मतलब सिर्फ हमने कांस्टेंट चेंज किया है तो हमें समझ नहीं लग रही कि हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट करें, उसके लिए हमने सब्सटीट्यूशन देखनी है, तो ये सारे जो है ये सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी हो सकती है यहाँ पर, कहने का मतलब तो ये है ना कोई भी चेंज करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, तो हम इसको जनरली हम कांस्टेंट का नाम ए दे देते हैं ठीक है, यानी कि इंटीग्रल हमने फाइंड करना है 1 ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर, चले ए स्क्वायर कह देते हैं ठीक है, एक फॉर्म बन जाएगी ना हमारे पास, तो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है, तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है, अगर ये इसको मैं 1 का स्क्वायर ही लिखूं तो ये वही चीज नहीं बन जाती ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका किससे रिजेंबल कर रहा है, किससे यानी कि मिल रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स से, यानी कि साइन के फंक्शन से ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन यहां पर यूज हम करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ये हम पुट करके देखते हैं ठीक है, साइन के फंक्शन ए साइन ऑफ थीटा एक्स, ये एक्स जो है इसको आप रिप्लेस करके देखें ए साइन ऑफ थीटा से, तो हमारे पास क्या बनता है, चलिए पुट करते हैं, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा 1 ओवर और साथ में इसके dx है ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको इंटीग्रेट करना, अच्छा अब एक्स की जगह हमने पुट कर दिया ए, तो चले ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया, अब फंक्शन किसका बन गया, ये यहां पर कहीं आपको एक्स नजर आ रहा है, नहीं, इसके अलावा आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है और थीटा नजर आ रहा है ठीक है, ए तो चले कॉन्स्टेंट है वेरिएबल, फिर थीटा हुआ, मतलब थीटा का ये फंक्शन बन गया, तो इसको इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट से होना चाहिए, थीटा की रिस्पेक्ट से होना चाहिए, तो dx को किसी तरह से हमने रिप्लेस करना डी थीटा से, किस तरह से करेंगे कि जिस जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है उसी को हम उसका डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, dx इज इक्वल टू आ जाएगा a cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, अगर आपको डिफरेंशियल समझ नहीं आ रही तो आप इसका डेरिवेट भी कर सकते हैं, मतलब कि x इज इक्वल टू है a sin ऑफ थीटा, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dx by
डी थीटा यानी कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इंटीग्रेट करें इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है तो ए वाल ऑफ थीटा और साथ में क्या आ जाएगा थीटा का डेरिवेटिव वो तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन ही होगा ठीक है तो डी एक्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा ए कॉस थीटा ये डी थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी थीटा वही चीज नहीं बन गई है डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा ठीक है तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं तो डिफरेंशियल पहली बात तो है आपको आने चाहिए क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल ठीक है डी एक्स इज इक्वल टू आ चुका है ए कॉस थीटा डी थीटा मतलब अब हम डी एक्स की जगह क्या यूज करेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा यानी अब ये हमारे पास जो है यानी कि सब्स्टिट्यूशन के बाद जो फंक्शन बना वो ये बन चुका है और विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी आ चुका है फंक्शन भी थीटा में आ चुका है और इंटीग्रेट भी हमने थीटा की रेस्पेक्ट से ही करना है ठीक है अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं पहले से कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं शायद कोई फॉर्म बन जाए तो इस इन दोनों में से आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स हैं इनमें से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन है ना दोनों में तो कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साथ में क्या है ए कॉस थीटा और डी थीटा अच्छा अगर आपको याद हो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करते रहे पहले ठीक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और अगर मैं साइन को राइट साइड पे ले जाऊं तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो मतलब कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल है इसकी जगह ये हम यूज कर सकते हैं यहां पर चले हम यहां पर इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा ही यूज करते हैं बन जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है और साथ में है ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा और साथ में इंटीग्रल साइन भी डाल देते हैं ठीक है क्योंकि हमने फाइनली तो इंटीग्रल ही फाइंड करना ना तो अभी तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अच्छा अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या टर्म्स बचेंगे 1 ओवर ए कॉस थीटा और साथ में ऊपर न्यूमरेटर में क्या है ए कॉस थीटा डी थीटा और उसका इंटीग्रल अब देखें ये ए कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी हमारे पास जो टर्म्स बचेंगे वो क्या है 1 डी थीटा और 1 का आपको पता है कि इंटीग्रल क्या होता है अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स आएगा अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं यानी कि जिस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं वही आएगा क्यों क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वो क्या होता है 1 होता है अगर थीटा का आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो भी 1 होता है तो अगर इसका इंटीग्रल लेंगे यानी कि इस केस में 1 डी थीटा तो थीटा आएगा एक्स 1 का अगर इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स के इक्वल आएगा ठीक है तो अभी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा देख रहे हैं तो ये थीटा ही इसका इंटीग्रल आएगा थीटा प्लस सी सी किस लिए क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है अच्छा हमारा तो क्वेश्चन जो था यानी कि हमें गिवन जो था उसमें हमें एक्स की फॉर्म में फंक्शन गिवन था ये आप देखें ये फंक्शन है हमारा एक्स की फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन था और रिजल्ट भी हमें एक्स की फॉर्म में ही देना है अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया वो थीटा की फॉर्म में तो जो सब्स्टिट्यूशन हमने शुरू में यूज की थी हम दोबारा से उसको रिप्लेस करते हैं ठीक है यानी कि एक्स की जगह हमने ए साइन ऑफ थीटा यूज किया था मैं यहां पर लिख लेता हूं हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था सब्स्टिट्यूट किया था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा तब जाके हमारा एक्स का फंक्शन थीटा में कन्वर्ट हो गया था ठीक है अब यहां से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की जगह एक्स की फॉर्म में जो फंक्शन बनता है वो हमने लिखना है तो एक्स ओवर ए ये तो कांस्टेंट है चले यहां पर आगे डिवाइड हो गया वहां मल्टीप्लाई हो रहा था साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए बन गया और साथ में अब थीटा फिर किसके इक्वल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन लेफ्ट साइड पे लेके आए
तो साइन इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ये इतना तो आपको आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी, ये हमारे पास रिजल्ट आया किसका, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का। ये जनरल हमने लिखा था फंक्शन। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो मैंने लिया था शुरू में कि 1 ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसका रिजल्ट ये आना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ए किसकी जगह है, ए है 3, बल्कि यहाँ पर जो है हमारे पास अगर इसके साथ कंपेयर करें, चलिए मैं साथ में ही लिख देता हूं, कंपेयर हमने इसको इसके साथ करना है, इंटीग्रल ऑफ अभी हमने जिसका इंटीग्रल फाइंड किया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन से हमारे पास क्या आएगा, देखें न्यूमरेटर में 1 है, दोनों के 1 है, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट है, इसके भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसमें 3 है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, बाकी माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का सेम है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, यानी कि इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो अगर मैंने, तो ऐसे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, अगर दोबारा से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो दोबारा से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब कि हम ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल अब वो फॉर्म बन चुकी है, और यहाँ पर a अब क्या है, a है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और इसका अगर हमने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल आएगा, बिल्कुल उसी तरह से है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, a अब इस केस में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रल आएगा। ये मैंने साथ एग्जांपल के साथ आपको जो है वो शो किया, या फिर अगर आपके पास हो एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो, या फिर हम ऐसे करते हैं 16 चले कर लेते हैं, यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और उसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना हो, ये भी वही केस बनता है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, जिससे हम कंपेयर करते हैं, किसे करते हैं, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, इनको कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की जगह क्या है 16 है, ए की वैल्यू फिर यहां से क्या आ जाएगी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें 4 आ जाएगी, ठीक है, ए इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा फिर, 1 ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए होता है ना, एक्स ओवर ए, ए अब क्या है इस केस में हमने लिखा हुआ 4 प्लस, ये बन गया। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रल आप ले रहे हैं, तो यानी कि ए की जगह क्या पड़ा हुआ है 4 है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4 प्लस सी, ठीक है, मतलब समझने की बात है। बाकी तो जो भी यहाँ पर ए की जगह वैल्यू आ जाए या ए स्क्वायर की जगह वैल्यू आ जाए तो आप उसको उस हिसाब से लिख सकते हैं इसके फॉर्मूला में, मतलब कि इंटीग्रल के रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने सब्स्टिट्यूशन देखी है इस फंक्शन की, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जहां पर भी आपको ये इस फॉर्म में नजर आए कोई भी फंक्शन, तो आपने वहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करनी है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। तो यहाँ पर लेक्चर का टाइम भी खत्म होता है और हम यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं, और बाकी सब्स्टिट्यूशन जो हैं, कुछ मजीद सब्स्टिट्यूशन रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।